तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया कि किसी अगर कोई दो वेक्टर गिवन हो, दिस इज योर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ट्रायंगल लॉ कैसे ऐड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर वेक्टर बी विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी, एंड फाइनली ड्रॉ रिजल्टेंट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हो गया आपके लिए ट्रायंगल लॉ। अब हम लोग ये देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ कुछ जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ट्रायंगल लॉ की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें तो जैसे मान लीजिए मैं एक थोड़ा सा आपको अलग एग्जांपल देता हूँ कि आप प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, पहले वेक्टर से देख लेते हैं कि ये क्या है। ये अगर ये अपना कोई वेक्टर पी है और ठीक उसी प्रकार ये अपना कोई वेक्टर क्यू है, तो इनको कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी अभी जैसे कि मैंने बताया ये वेक्टर पी और ये वेक्टर क्यू, तो ये हो गया रिजल्टेंट, क्या हो गया रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मैं वेक्टर क्यू को फर्स्ट वेक्टर ले लेता हूं, यस ओके, तो ये अपना फर्स्ट वेक्टर हो गया वेक्टर क्यू विदाउट इट्स चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्यू इज अ फर्स्ट वेक्टर एंड कनेक्ट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, ये लीजिए वेक्टर पी एंड ड्रॉ रिजल्टेंट फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर वेक्टर आर इक्वल्स टू, क्या आया वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी। और फिर हमने मैथमेटिकली पाया कि ये जो रिजल्टेंट आया जो है, मान लीजिए रिजल्टेंट को हम लोग कुछ भी ऐसा आर डैश लेते हैं, तो जो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यहां आर इज इक्वल्स टू आर डैश हुआ, दोनों इक्वल आए, तो हमने कहा कि यहां से इंप्लाइज दैट वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी। और ये मैथमेटिक्स में एक लॉ है, कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स यहां से एक बात क्लियर हो गई कि वेक्टर एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। क्या क्लियर हो गया कि वेक्टर एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। तो आप लिखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी, तो ये क्या हो गया कि आप यहां बताओगे कि वेक्टर एडिशन फॉलो फॉलो द कम्यूटेटिव 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 लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ये है ठीक, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए या पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू प्लस ए, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। तो आपने एक चीज क्लियर कर लिया कि वेक्टर एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, पी प्लस क्यू इक्वल्स क्यू प्लस ए। नेक्स्ट है वेक्टर एडिशन फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी वेक्टर एडिशन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट जो है मतलब एक छोटे फॉर्म में देखा जाए तो दैट इज वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी मैंने मिटा दिया। सेकंड है कि वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव 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 लॉ। अच्छा एसोसिएटिव क्या है, अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक वेक्टर बनाता हूं वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी
और ये है वेक्टर सी। ये जस्ट इमेजिन मैंने आपके सामने सिचुएशन ऐसी रख दी। अब मैं कहूं कि पहले मैं यहां से शुरुआत करता हूं, अगर मैंने इस वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर लिया तो आप देखें तो ये क्या हो जाएगा यहां से, तो इसका ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, ऐसा हो गया। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का काम खत्म हो गया, मतलब इसका जो मेन वेक्टर आया रिजल्टेंट आया वो क्या हो गया, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया भी कि रिजल्टेंट मतलब सबका सम फाइनल वेक्टर, तो फाइनल वेक्टर क्या हो गया ए प्लस बी। अब ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर का टेल क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है, आई बात समझ में, इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर का टेल कनेक्ट हो गया। तो आप देखो इस वेक्टर का हेड किधर गया, इधर, ये बी का अपना हेड है, तो अब ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर हो गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब फर्स्ट वेक्टर या सेकंड वेक्टर, तो ये हो गया ए प्लस बी, ये फर्स्ट वेक्टर है, और प्लस ऑफ वेक्टर सी, ओके, ये रिजल्टेंट हो गया। लेकिन अगर यही इसी वेक्टर को हम लोगों ने कुछ ऐसे ऐड करना चालू किया होता कि अगर मैंने इसको बी को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करता और सी को सेकंड, तो बी के हेड से सी का टेल कनेक्ट है, तो ये एक रिजल्टेंट बन जाता यहां पे, और ये होता बी प्लस सी, और अब वेक्टर ए अगर फर्स्ट वेक्टर बन जाए और ये जो है ये जो वेक्टर आप देख रहे हो ये सेकंड बन जाए, तो भी इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, यही आएगा, दिखाई दे रहा है। तो अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए, क्योंकि ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर आपने ये लिया, ए प्लस सेकंड वेक्टर क्या है, बी प्लस सी, और आप यहां से देख रहे हैं कि ये इन्हीं दो पॉइंट को ये मिलाया गया है, इसका मतलब कि ये दोनों ही वेक्टर सेम है, मतलब अगर मैंने इसको वेक्टर आर इक्वल टू लिया है और ये जो आर डैश है ये दोनों क्या है, सेम है, देखिए मैथमेटिकली सेम दिख रही है। तो यहां से आपने देखा कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों इक्वल है, देखो ये ग्राफिकल मेथड है और ये आपका जो है डायरेक्ट एसोसिएटिव लगा है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये है एसोसिएटिव लॉ, ठीक, क्लियर हुआ आपको, तो ये रहा जो है एसोसिएटिव लॉ, वेक्टर एडिशन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, तो ये आपका जो है वेक्टर की प्रॉपर्टीज हो गई, कौन कौन से लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल है 2.1 ए प्लस जो है इस तरीके से उसने ऐड किया है, तो उसका कहना है एसी को आप बताओ, तो एसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसी इक्वल्स टू अगर यहां कहीं पर ऐसा दिया हो तो ए भी क्या कर रहा है, एक्सप्रेस एसी इन टर्म्स ऑफ इसमें इसमें इसमें, तो देखिए आप लोग जो है क्वेश्चन में कहता है कि सॉल्व एग्जांपल 2.1, पहला सॉल्व एग्जांपल है 2.1, तो यहां पे कह रहा है कि एक्सप्रेस एसी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड बी सी, तो जरा सा देख लेते हैं एसी कुछ ए सी और नेक्स्ट कैसे है बी सी बी और यहां से ये,
ए बी, तो कह रहा है एक्सप्रेस ए सी। तो देखो यहां से हमें ए सी को दिखाना है जो है इन टर्म्स ऑफ बी सी और ए बी। तो पहले तो ये देखो कि उसमें रिजल्टेंट कौन होगा, फर्स्ट फैक्टर क्या हो, कौन हो सकता है, सेकंड कौन हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग पहले से बात कर चुके हैं कि जिस वेक्टर के हेड से किसी वेक्टर का टेल जुड़ा होगा तो वो फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, और टेल वाला जिसका टेल कनेक्ट है वो सेकंड हो जाएगा। तो यहां पर ये देखो तो ये हेड एंड हेड है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि फर्स्ट वेक्टर क्या हो गया ए सी, सेकेंड वेक्टर क्या हो गया बी सी, और ये हो गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ए बी, ए बी इक्वल्स टू क्या आया ए सी प्लस सी बी। तो अब उसने क्या कहा है कि ए सी, ए सी को ए बी और सी बी के फॉर्मेट में, देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू ए बी माइनस सी बी। ओके, ये हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर फोर्सेस ए वन ए टू, वेक्टर ए वन, वेक्टर ए टू, वेक्टर ए थ्री एंड वेक्टर ए फोर। तो बहुत बढ़िया, आ जाइए हम लोग निकाल देते हैं कि ये कैसे होंगे। हो गया, इसे हटा दिया जाए। नेक्स्ट है, देखिए आपके सामने सिचुएशन है, बुक आपके सामने है। तो इसने कैसे दिया है कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव। तो देख लिया जाए, तो कह रहा है कि ऐसा है ए वन फोर से चला, ए ये है वेक्टर ए वन, इसके बाद है ए टू और ये है ए थ्री, वेक्टर ए थ्री, और ये वाला है वेक्टर ए फोर। तो कुछ नहीं, पहले क्या ले लो ये ए वन और ए टू को, ये क्या हो गया वेक्टर ए वन और प्लस वेक्टर ए टू। अब ये दोनों हो गए, ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया सेकंड वेक्टर, इसके हेड से इसका टेल कनेक्ट है, फिर ट्रायंगल लॉ लग गया और ये क्या बन गया ए वन प्लस ए टू और प्लस ए थ्री। फाइनली कोई तो भी आप रिजल्टेंट पकड़ लो, रिजल्टेंट इक्वल्स टू ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये हो गया ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और प्लस ए फोर, ये हो गया फाइनल वेक्टर। तो ये इस तरीके से इसका जो है आंसर हो गया ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। ओके, अब देखा जाए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। तो नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ, देखिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है आपके लिए पैरेललोग्राम लॉ, और बुक आपके सामने होनी चाहिए तो आपको टर्न बाय टर्न एक एक चीजें क्लियर कट जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो वैसा समझ में आएगा। ओके, और ये मैं आपको ही कह रहा हूं जो मुझे इस समय देख रहा होगा, है ना, मतलब आपके लिए है। तो ध्यान से देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ, मतलब वेक्टर एडिशन विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। अब देखो कि पैरेललोग्राम लॉ आया कैसे, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, ठीक। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है कि जब जब हम लोग जो है किसी दो वेक्टरों को ऐड करते थे तो उसमें रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या आता था,
आर इक्वल्स टू वो दोनों वेक्टरों का सम, जैसे वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर यू प्लस वेक्टर बी आता था ट्रायंगल लॉ में। अब जब पैरेललोग्राम लॉ आया जो है, तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन कैसे आई कि जब कोई दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट हो गए, जैसे कि अपना ये मैंने ले लिया वेक्टर ए और ये अपना वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, ये ओरिजिन ओ और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये मतलब दो पॉइंट से दोनों पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर देखा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी निकला। ओके, चाहे वैसे समझो या आप समझो कि दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट हुआ, तो टेल टू टेल कनेक्शन में पहला हमें जो है फायदा ये हुआ कि जब तक कोई दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट नहीं होता तब तक उनके बीच का एंगल हम लोग नहीं फाइंड कर सकते जो है। तो जब ये टेल टू टेल कनेक्ट हो गया तो पहले हमें ये समझ में आ गया अच्छा इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ओके, यहां से हमें एक बात समझ में आई। अब इनके रही बात एडिशन की, तो अब ये एडिशन होना बड़ा मुश्किल था क्योंकि हमने ट्रायंगल लॉ जो पढ़ा था उसके हेड से उसका टेल कनेक्ट था, तो फिर तो यहां पर जो है ये बात ही समझ के बाहर हो गई। ओके, तो हम लोगों ने जो है इसे समझने के लिए जो है क्या किया, यहां मैं आपको जो है कुछ बातें बताऊंगा इंपॉर्टेंट कि कोई भी अगर वेक्टर हो, ऐसा आप कहीं तो भी नोट करके नोट कर लें कि किसी भी वेक्टर को उसी के डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे कि ये कोई वेक्टर ये है तो उसी के डायरेक्शन में बिना इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए आप ऐसा एक्सटेंड कर सकते हो, और एक जगह से किसी दूसरी जगह पर भी ऐसा ला करके ऐसा बता सकते हो कि ये वेक्टर ये है, बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो बस वही रूल हम भी फॉलो करते हैं। हमने ऐसा इमेजिन किया कि ये जो बी है ये इसकी जो है शैडो यहां, मतलब ये बी है उसी एंगल पे जितने इस डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन है जो ये वेक्टर ए है इसके डायरेक्शन से उतने ही एंगल पे स्लैंट है ये, ठीक। और ऐसा फिर हमने इसको ऐसा मिला दिया। अब अगर आप देखो तो अभी तो खैर अभी मिलाने की जरूरत नहीं है, ये बाद वाला प्रोसेस था, मतलब कि ये वेक्टर ए हो गया और ये आपका हो गया वेक्टर बी। अगर अब आप देखो तो ट्रायंगल लॉ फॉलो हो गया कि किसी वेक्टर के हेड से किसी दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट हो गया, तो इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, रिजल्टेंट हो गई। मतलब अब आप ये बता सकते हो कि ये आपका रिजल्टेंट है। फिर मैंने इसको ऐसा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन असलियत में यहां वो वेक्टर बी तो है नहीं। तो इसको जो ये आप देख रहे हो सिचुएशन, इसे पाने के लिए हमने जो है इस यहां पर हमने मैथमेटिक्स का सहारा लिया, मतलब अब ये वेक्टर अलजेब्रा नहीं रहा। तो जब हमने जो है मैथमेटिक्स का जो है हेल्प लिया तो वहां से हमें ये मिला कि ये ओ हो गया, ये पी क्यू एस टी, और जो ये रिजल्टेंट इससे एंगल बनाया उसको हमने ऐसा अल्फा कंसीडर किया, और ये जो है जो ये वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली वेक्टर्स नहीं है, दे आर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। यहीं से मैग्नीट्यूड निकालना हमने स्टार्ट किया कि किसी रिजल्टेंट, किसी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये जो पैरेललोग्राम मेथड है ये एक्चुअली किसी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैसे निकाला जाएगा, एक ऑप्शन जो है ये भी है। दूसरा, पहला क्या था कि हमने वहां से एंगल पता कर लिया कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल क्या होगा। दूसरा क्या था, उनके मैग्नीट्यूड को निकालने में इसने हमारी हेल्प की। तो बस अब यहां से हम लोग जो है इसके कंपोनेंट को हमने रिजॉल्व किया, तो हमने ये पाया कि ये पी क्यू अगर इसका कंपोनेंट देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा, और ये बस जस्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आ जाएगा, जस्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा बी साइन थीटा। मतलब इसके बाद वाला जो वीडियो है वहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा किसी वेक्टर को जब रिजोल्व करते हैं
तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहां से वो थीटा लगी होगी वो बी कॉस थीटा और ये वाला बी साइन थीटा होगा। तो इतना आप नोट कर लो। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि अब आप देख सकते हो कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ क्यू एस। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एस में देखो तो क्या होगा, जरा सा ये देख लेते हैं कि गिवन दैट क्या क्या है, क्या क्या यहां दिया गया है। तो गिवन दैट की जो स्टोरी है वो ये है कि अगर आप इसे देखें तो ओपी वेक्टर ओपी इज इक्वल्स टू मॉडा वेक्टर ओपी इज इक्वल्स टू मॉडा वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या ए। मतलब अगर मैं क्या लिखूं ओपी इज इक्वल्स टू तो क्या ए, तो इसी प्रकार क्या ओटी इज इक्वल्स टू तो बी, पी क्यू इज इक्वल्स टू P cos theta and QS B sin theta, okay? अब apply कर दो in right angle triangle OQS क्या लगा रहे हैं Pythagoras theorem। Pythagoras theorem क्या है कि किसी right angle triangle के hypotenuse का square उसके base के square plus perpendicular के square के sum के equal होता है। तो यहां से OS square is equals to OQ square plus QS square or OS square equals to OQ, OQ कितना है ये OP plus PQ plus QS square, सबकी वैल्यू रख दो। अभी ये OS कितना है, OS means mod of vector R, मॉड ऑफ वेक्टर आर ऑफ होल स्क्वायर, स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया। ओपी, ओपी किधर है, ओपी इज इक्वल टू ए क्यू पी पी क्यू बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू एस, क्यू एस की वैल्यू कितनी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी कर दू इसके स्क्वायर को ब्रेक करो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको बताया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ये हो गया वन। अगर ये वन के इक्वल हो गया तो यहां से मॉड ऑफ आर मतलब आर, अभी मैंने बताया कि वो केवल वेक्टर चला जाएगा, मैग्नीट्यूड बचेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस मैं बी स्क्वायर पहले लिखता हूं बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा और वेक्टर आर सॉरी आर आर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां से आपका ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आ गया इजी। वेक्टर आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हुआ आपका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। ओके अब आपको अगर ये फाइंड आउट करना हो कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर आया ये इसकी क्या डायरेक्शन है विथ फर्स्ट वेक्टर, या ये फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो हमने यहां पे कंसीडर कर लिया कि ये कितना बना रहा है अल्फा। लेट द रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द फर्स्ट वेक्टर ए, तो फॉर डायरेक्शन
फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए डायरेक्ट क्या लेते हैं हम लोग, टैन थीटा, तो यहां थीटा थीटा की जगह क्या है अल्फा है, तो टैन अल्फा इज इक्वल्स टू, टैन मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बी साइन थीटा और बेस कितनी है ओ क्यू, ओ क्यू मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और अल्फा इक्वल्स टू टैन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गई डायरेक्शन। तो क्या आपको ये बात समझ में आया, बहुत ही बढ़िया, ये डायरेक्शन में निकल गया और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर में निकल गया, नोट कर लो, कॉपी कर लो जिसको नोट करना हो, ओके। तो अब यहां से देखा जाए कि अगर जो ये रिजल्टेंट है इसको और किस किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है या बताया जा सकता है, तो अगर मैं यहां से कहूं कि अगर ये जो है इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी हो जाए, अगर जो है ये दोनों वेक्टर इक्वल होते तो क्या होता। अब यहां से मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी हो जाता इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर, दोनों जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होता तो क्या हो जाता, ए इक्वल्स टू बी, देयरफॉर रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू रूट ओवर क्या हो जाएगा, अब चाहे ए ले लो चाहे बी, तो ये ले लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि इसे एक लाइन और आगे, तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, फिर एक लाइन और आगे लो 2a स्क्वायर कॉमन हो गया 1 प्लस cos थीटा। अब आपको बताया 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये यहां से r वेक्टर r इक्वल्स टू रूट ओवर 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2a cos थीटा बाई 2, ये बाहर आ गया। तो यहां से अपने को एक मिल गया रिजल्टेंट इक्वल्स टू, अगर दोनों वेक्टर इक्वल हो, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, ये हो गया रिजल्टेंट इफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2। तो आप लोग इसे नोट कर लें बहुत अच्छे से, और बाकी इसके जो है आपको आगे बताया जाएगा, यहां तक बहुत अच्छे से इसको नोट करो, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें जो है भेज सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, अपने जो है डाउट को पोस्ट कर दीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, तो ये मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप इस नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप इसे क्लियर कर लो, अंडरस्टूड कर लो, जो भी आपको डाउट हो प्रॉब्लम हो वो आप हमसे पूछ सकते हो, ओके। तो आप देख लो और जो भी लगे आप हमें जो है पोस्ट कर सकते हो, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक लाइन जो यहाँ नोट किया जा रहा है उसे आप पूरा नोट करें, आपका छूटना नहीं चाहिए, फिर आप देखो आपको 100% क्लियर होगा, ओके।
थैंक यू।